मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है तथा इसे पूजा से पहले ही क्यों बजाया जाता है, इसका साइंटिफिक और आध्यात्मिक रीजन क्या है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों, मंदिर जाते टाइम आपने घंटियों की आवाज़ सुनी होगी और बड़े खुश से आपने भी घंटी बजाई होगी, लेकिन सबसे पहले हम आध्यात्मिक रीजन पे बात करते हैं। आमतौर पर भक्त पूजन के समय में मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाते हैं। कहा जाता है कि घंटी बजाकर भक्त देवता को अपने आगमन की सूचना देता है। घंटी की आवाज़ को शुभ माना जाता है, जो देवत्व का स्वागत करती है और बुराइयों को दूर करती है। घंटी एक प्रकार का नाद माना जाता है, जिसकी ध्वनि से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। सुबह और शाम जब भी मंदिर में पूजा या आरती होती है तो एक लय और विशेष धुन के साथ घंटियां बजाई जाती है, जिससे वहां मौजूद लोगों को शांति और दैवीय उपस्थिति की अनुभूति होती है। दूसरा कारण यह है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब जो नाद आवाज गुंजी थी वही आवाज घंटी बजाने पर भी आती है। घंटी उसी नाद का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं घंटी बजाने के पीछे का साइंस क्या है। दरअसल दोस्तों, कई लोग धर्मों के कई चीज़ों को अंधविश्वास का नाम दे रहे हैं, लेकिन उनमें कई साइंटिफिक बातें भी मौजूद होती है। जैसे मंदिर में जो घंटियाँ लगी होती है उन्हें सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं लगाया जाता, बल्कि इन घंटियों का साउंड एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है। यही नहीं, घंटियों के साउंड में जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि उनके कंटेक्ट में आने वाली जर्म्स या बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसीलिए ही मंदिरों के आसपास का एरिया काफ़ी सकारात्मक और माहौल वाला और बैक्टीरिया से दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में घंटी बजाने के आध्यात्मिक और साइंटिफिक राज जाने हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।